हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स और यूपी डीआईवाई सेक्शन में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है द स्मॉलेस्ट जीपीएस ट्रैकर एवर का, जो कि electronicsforyou.com पे पब्लिश हो चुका है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आप भी ये इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, जो आपको electronicsforyou.com के एक ब्लॉग पे मिलेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की सहायता से आप एक ऐसा छोटा जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस बना सकते हैं, जिसको कि आप किसी भी कीरिंग में अटैच करने के बाद किसी भी आइटम पे, जैसे कि बच्चे के बैग पे, जानवर के कॉलर पे, किसी भी गाड़ी पे, पार्सल पे, या फिर कोई इंडिविजुअल इसे पहन सकता है ट्रैकिंग पर्पस के लिए। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है इंडस बोर्ड कॉइन की मदद से इस डिज़ाइन को बहुत ही छोटे से छोटा जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस बनाना। इससे आपको एक रियल टाइम लोकेशन मिलेगी आपके स्मार्टफोन पे मैसेज के थ्रू। इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं वो है इंडस बोर्ड, जिसपे की कोड रन करेगा, एक L86 GPS मॉड्यूल रियल टाइम लोकेशन जानने के लिए, एक SIM 800 LGSM मॉड्यूल लोकेशन को मोबाइल फोन पे भेजने के लिए। चलिए कनेक्शंस करते हैं। सबसे पहले हम इंडस बोर्ड को GPS मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। पिन कनेक्शंस के लिए आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इसके बाद हम GSM मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे सर्किट डायग्राम को फॉलो करके, और अब हमारा पूरा सर्किट असेंबल हो चुका है। अब अगले स्टेप में हम कोड पे आते हैं। हमने कोडिंग आर्डिनो आईडीई पे करी हुई है, ये हमारा कोड है। सबसे पहले शुरू में ही हम कुछ लाइब्रेरीज को ऐड कर देंगे, जो कि हमें जीपीएस और जीएसएम मॉड्यूल को इस्तेमाल करने में सहायता करेंगी। इसके बाद हम सीरियल पोर्ट डिफाइन करेंगे जीपीएस का और एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम कुछ इंटरवल्स के बीच में लोकेशंस को बार बार भेजते रहेंगे। यहाँ पे हमने वो इंटरवल 60 सेकंड्स का सेट करा है। सेटअप फंक्शन के अंदर हम बॉड रेट्स को डिफाइन करेंगे, सिम को इनिशियलाइज करेंगे और एक सिम हेल्पर फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि मैसेजेस को रिसीव करेगा। लूप फंक्शन के अंदर में हम जीएसएम नेटवर्क के कनेक्शन के स्टेटस को चेक करेंगे और इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जीपीएस मॉड्यूल की अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे एक वाइल लूप के अंदर। इस लूप के अंदर हम लोकेशन को रीड करते रहेंगे। हमें ये भी इंश्योर करना है कि जीपीएस डेटा वैलिड है और रीसेंट डेटा हमें मिल रहा है। सेंट लोकेशन एसएमएस फंक्शन के अंदर हमने जो कोड लिखा हुआ है, ये लोकेशन को रियल टाइम में सेंड करेगा, जो कि जीपीएस मॉड्यूल से आ रही है, उन्हें मोबाइल फोन पर भेजेगा। और अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिखिए, इसके बाद कोड को इंडस बोर्ड कॉइन पे अपलोड कर दें। चलिए इस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। ये हमारा असेंबल्ड सर्किट है और हमने कोड को इंडस बोर्ड कॉइन पे अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेटअप है। ये मेरे मोबाइल फोन में वही नंबर लगा है जो हमने कोड पे डाला हुआ है। अब हम मैसेजेस पे जाकर के देख सकते हैं कि हमें रियल टाइम लोकेशन का लिंक आ रहा है हर 60 सेकंड पे। हम इस लिंक पे अगर क्लिक करेंगे तो हम रियल टाइम लोकेशन देख पाएंगे मैप में। क्या आप अपना खुद का एक स्मॉलेस्ट जीपीएस ट्रैकर एवर बनाना चाहेंगे, तो क्लिक करें लिंक पे जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ जाकर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं डिटेल में सर्किट डायग्राम के साथ। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसे डीआईवाई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू।